जय जोहार दोस्तों, मैं राहुल कन्ना के आपका फिर एक बार मेरे वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे गूगल पे ब्लॉग मिलेंगे और यूट्यूब पे भी लोगों ने मस्त रायता फैला के रखा है कि आदिवासी खूंखार होते हैं, आदिवासियों ने ये किया, आदिवासी ने वो किया, तस्वीरें दिखाते हैं। और शहर में बैठे हुए कुछ आदिवासी नमूनों को ये लगता है कि नहीं, वाकई में आदिवासी खूंखार होते हैं और आदिवासी लोगों को मारते हैं। जी हाँ दोस्तों, YouTube पे ऐसे कई वीडियो दिखाएंगे। आप डेंजरस आदिवासी ऐसे कुछ सर्च करके देखो तो वो लोगों ने इतना आदिवासियों के बारे में रायता फैला रखा है कि एक सवाल उठता है कि आदिवासी इन दुनिया से बाहर क्यों रहना चाहता है, आदिवासी इन लोगों के कॉन्टैक्ट से दूर क्यों रहना चाहता है, ये भी सवाल उठता है। इसके पीछे बहुत सारे सवाल उठते हैं कि आदिवासी ऐसा क्यों करते हैं, आदिवासी क्यों लोगों को मारते हैं। और ये लोग बताते हैं कि आदिवासी नहीं नहीं आदिवासी तो लोगों को ही मारते हैं, क्योंकि ऐसा है कि कुछ फोटो में दिखाया गया है कि आदिवासी नरभक्षक होते हैं। भाई अगर आप मूर्ख हो ना तो पहले बता दो, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। अगर आप कहना चाहते हो कि आदिवासियों को अच्छा दिखना चाहिए और अच्छा दिखने का आपका नज़रिया है तो ये वीडियो पूरा देखो, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हर जगह पे हर तरह से आदिवासियों को क्यों टारगेट किया जाता है, क्यों ऐसा बताया जाता है कि आदिवासी खूंखार होते हैं, आदिवासी दिमाग नहीं होता आदिवासियों के पास, और आदिवासी गरीब होते हैं, और आदिवासियों पे किस्से लिखे जाते हैं। जिस किस्सों में मैंने एक वीडियो का जिक्र किया था, जो वीडियो है बॉलीवुड का सिनेमा था, माधुरी दीक्षित और संजय कपूर ने उसको किया था, और वो फिल्म में आदिवासी का सीन बहुत घिनौनी तरीके से उसका मजाक उड़ाया गया है। वो सीन मैंने आपको दिखाया, इसलिए दिखाया कि मैं उस डायरेक्टर को नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता था कि देखो आदिवासियों की तरफ क्या कौन से नज़रिए से देखा जाता है। और दोस्तों, जब मैंने ये डिस्कवरी चैनल से लेके बहुत सारे लोगों की चैनल के वीडियो देखे और समझा, तो इसमें एक ही बात आई कि ये लोग आदिवासी के बारे में तो इन्फॉर्मेशन दे रहे, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे, क्योंकि आदिवासियों के पास ऐसा कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसपे वो चिल्लाएंगे तो पूरी दुनिया को मालूम होगा। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तो नहीं है, ऐसे कोई टीवी चैनल नहीं है, और ऐसा कोई प्रसार माध्यम नहीं है जिससे आदिवासी अपने आवाज़ उठा सके। और हर तरह के हर कौम के लोग उसमें जाते हैं, ये है खुकार आदिवासी, दो चार फोटो दिखा दिए और कुछ ना कुछ बोल दिया तो खुकार हो गए। दोस्तों, हम चलते हैं इस ट्रू लाइंस की तरफ, यानी सिचुएशन की तरफ। जब आप ये सारे बहुत सारे वीडियो देखेंगे तो कुछ डिस्कवरी में एक एपिसोड चला था, उसमें मैन वर्सेस ट्राइब दिखाया जाता था। मैन वर्सेस वाइल्ड वाला चैप्टर तो अलग है, डिस्कवरी में दिखाया जाता है, और शहर में पढ़े लिखे नमूने डिस्कवरी देखते हैं और ओ यार ऐसे भी आदिवासी होते हैं सोचते हैं। उन नमूनों को ये नहीं मालूम कि वो भी आदिवासियों में आते, सिर्फ शहरों में जाके कुछ एजुकेशन लेने से अपना नाम और अपने वंश नहीं बदल जाते। आप ये ध्यान में रखो, मैं आपको ये पूरी डिटेल से समझाऊंगा, और ये वीडियो देखने के बाद ऐसे वीडियो बनाने वालों पे आप ही उल्टा बोलोगे कि यार ये गलत है, आदिवासियों को दिखाना है तो अच्छी तरह से दिखाओ, अन्यथा वो सिस्टम आपके दिमाग में आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप जिस सिस्टम में जी रहे हो उससे कई गुना अच्छा सिस्टम आदिवासियों का था। ये मैं आज आपको प्रूव कर दूंगा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कुछ वीडियो की, जैसे कि डिस्कवरी चैनल पे मैन वर्सेस ट्राइब नाम का एक एपिसोड आया था, उसमें वो दिखा रहा था कि वो जाबाज खिलाड़ी था लोगों के नज़र में और चैनल के नज़र में। वो बता रहा था मैं अभी ऐसे आइलैंड पे जा रहा हूँ जहाँ पे दुनिया को मालूम नहीं है और उनको मालूम नहीं है कि दुनिया है, उस ट्राइब में मैं जा रहा हूँ, क्या मैं उसको चुनौती को ये कर पाऊँगा वो कर पाऊँगा। इनका मिली भगत रहता है पहले, वो आइलैंड पे पहले ही जाके कैमरा लगा के सब कुछ तय रहता है और ये लोग फिर जाते हैं। दूसरी बात, ऐसी एक बात आई थी कि एक इलाके में अमेजोन जंगल से कोई प्लेन जा रहा था और वो थोड़ा सा नीचे से जा रहा था, इसलिए कुछ तीर कमान आए, उस प्लेन को लगे और प्लेन के बहुत सारे पार्ट क्रैश हो गए और वो प्लेन कहीं खो गया। इस अनुमान से वैज्ञानिकों ने खोज निकाला कि यहाँ पे कोई जनजाति रहती है, जनजाति रहते हैं तो फिर खोज निकाले और कैमरे से लिए गए, तो कुछ सारे पिक्चर भी हैं वो गूगल पे दिखाते हैं, लेकिन वो पिक्चर झूठ है। जी हाँ दोस्तों, वो पिक्चर किसी ना किसी फिल्म से लिए गए वाला सीन है। फिर रियल सीन क्या है, क्या ऐसे अभी भी आदिवासी लोग हैं जो इस दुनिया के आइलैंड पे है और दुनिया को मालूम नहीं? सवाल बहुत बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे आइलैंड है और अमेजन के जंगल और बहुत जितने भी पृथ्वी पर घने जंगल है उसमें आज भी आदिवासी जनजातियाँ है जो कि इस दुनिया के नेटवर्क में नहीं है, दुनिया के संपर्क में नहीं है, और वो भी आना भी नहीं चाहते। ऐसे दो चार किस्से हुए हैं वैज्ञानिकों के साथ,
कि वो उस एरिया से गुजरे तो उस पे उन पे हमला भी हुआ है, ये भी बात सच है क्योंकि मैंने ये हिस्ट्री को टटोला है। लेकिन सिर्फ यही बात सच नहीं है, जब किसी ने हमला किया तो क्यों किया, अगर वो लोग ऐसे विभत्स दिखते हैं तो क्यों दिखते हैं, अगर उनके परिवार में या उनके समुदाय में अगर ऐसी सोच है और ऐसी परंपरा है तो क्यों है। जब तक आप इसके जड़ में नहीं जाते ना, तब तक आप इस पे बोल ही नहीं सकते। ये जो बिकाऊ मीडिया बोलता है ना कि आदिवासियों भयंकर तूफान आया है, आदिवासी ऐसे वैसे, तो इनसे मैं कहना चाहता हूँ, बाबा आप कभी जड़ तक गए हो इस आदिवासियों के? पहले मैं एक बात बता दूं कि वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे कब आता है, 9 अगस्त को। ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यूएनओ ने बता दिया, यूनाइटेड नेशन, उन्होंने क्यों बताया, क्योंकि उनके रिसर्च में आया कि हर तरह के आयरलैंड पे आदिवासी मौजूद है, और ये वही आदिवासी है जिसने इस पृथ्वी धरती को कायम रखा, जिसने इस नेचर को कायम रखा। इसीलिए वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे भारत में नहीं, एशिया में नहीं, तो ऑल वर्ल्ड में मनाया जाता है, 9 अगस्त को। बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ी बात कैसे, जैसे कि मैं महाराष्ट्र की बात ले, महाराष्ट्र में गोंड प्रधान जनजाति है, महादेव कोली है, कुरकू है, भिल है, ऐसे बहुत सारे आदिवासी जातियां हैं, उनकी टोटल 47 तक आती है, 47 जातियां महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र एक राज्य है। ऐसे ही राज्य कितने हैं भारत में, भारत में 700 से अधिक जातियां आदिवासियों की पाई जाती है। मैं आपको ये बता दूं कि 700 जातियां जो भी जाति है उसकी एक विशिष्टता है, वो एक दायरा है, उनका एक कानून है। जैसे कि गोंड लोगों का एक कानून है, उनका गोटुल रहता है, उनका एक सिस्टम रहता है, और वो सिस्टम उनके लिए परिपूर्ण है। जब ये गणतंत्र लागू होने वाला था या होने के 500 साल पूर्व, आदिवासियों का जो भी जंगल में सिस्टम था, कभी सोचा है कि एक आदिवासी थैली लेके निकला है और शहर में आया है, उस जमाने में शहर में आया और बोला कि तुम्हारी शक्कर दे दो, शक्कर गुड़ ये आदिवासियों को मिलता ही नहीं था, और आदिवासी इनके बिना भी जीते थे। आदिवासियों का चाय बनाने की जो पेड़ की साल होती है ना, वो भी आदिवासी अपने तरीके से निकालता है। यह आदिवासियों का सिस्टम परिपूर्ण था, उसको एक भी चीज के लिए किसी ऐरे गहरे आदमी को पूछना नहीं पड़ता था, पूरा नेचर से निकालते थे और वो अच्छी तरह से रहते थे ना, उसमें झगड़ा फसाद भेदभाव द्वेष कहीं भी नहीं रहता था। यही सिस्टम गोंड लोगों से अलग लोगों में भी है, अपना अपना सिस्टम है। और आप ये अनुमान लगाए और आप एक इस बात पे विशेष ध्यान दें, हम अगर सोचते हैं तो अकेले सोचते हैं, यहां दुनिया का कोई भी धर्म सोचता है तो वो अकेला सोचता है, लेकिन आदिवासी एक ऐसा समुदाय है जो समुदाय में सोचता है। आदिवासियों का हर त्योहार पहले मांदी लगाई जाती है, यानी बैठक लगाई जाती है, और इस बैठक में जो भी बुजुर्ग है उनसे सलाह लेके काम किया जाता है। आदिवासी कोई भी अकेला काम नहीं करता, पहली बात। आप अगर देखते हो कि कोई आदिवासी त्योहार में बहुत गोल गोल होके लोग नाचते हैं, आपको क्या लगता है सिर्फ नाचना उनकी संस्कृति है? हाथ में हाथ धर लेके नाचना, पकड़ के नाचना, इसका अर्थ यह होता है कि सभी सगा भाई, सभी मेरे रिश्तेदार, सभी मेरे समाज के लोग एकजुट होकर करते हैं। इन आदिवासी पाड़ों में एक काम कभी नहीं होता, समुदाय में काम होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो ये बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने किताबों में लिख रखा है कि आदिवासी की अगर पहचान है तो वो समुदाय से होती है, क्योंकि उनका एक मुखिया होता है, मुखिया के नीचे और सारे, और उसके नीचे पूरी कौम आती है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर ये बात मुझे बताना चाहते हो कि गांव में, गांव एक सिस्टम है, गांव सिस्टम होते हुए भी एक मुखिया रहता है, वो मुखिया रहता है और मुखिया के नीचे पूरा गांव रहता है, गांव की परंपराएं संभालना, उसका आर्थिक देखना, इकोनॉमिकल गांव की बढ़त देखना, ये मुखिया क्यों संभालता है? और आज गवर्नमेंट ने उसको सरपंच में क्यों तब्दील कर दिया? मैं ये भी प्रूव कर सकता हूँ कि ये जो मुखिया वाला सिस्टम है और गांव वाला सिस्टम है, ये कोतुर वाली टेक्नोलॉजी है, यानी आदिवासियों की टेक्नोलॉजी है। आप मानते हो कि जो कुएं का है ना, कुएं का एक अलग इतिहास है पानी संभालने का, वो भी टेक्नोलॉजी गोंडियन टेक्नोलॉजी से आती है, यानी आदिवासी है। हर वो जो समुदाय में काम किया जाता है वो आदिवासी टेक्नोलॉजी से आया है। तो मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग
अभी सवाल ये है कि आदिवासी लोग इस दुनिया से क्यों अलग रहना चाहते हैं, क्यों इस दुनिया के संपर्क में नहीं आना चाहते, और इसी वजह से क्यों आदिवासी पीछे रह गए हैं। आदिवासी की जो भी संस्कृति है, आदिवासी का जो भी लोकतंत्र है, जैसे कि जयपाल सिंह मुंडा ने आप भरी सभा में एक सवाल किया था और एक बताया था कि आपको हमें लोकतंत्र सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आदिवासियों ने खुद अपनी दुनिया में ऐसा लोकतंत्र बनाया है जिस पे ना कोई भेदभाव होता है, जिस पे ना कोई अन्याय होता है, अपने वो रूल को फॉलो करते रहता है और प्रकृति को बनाए रखता है। तो आदिवासियों को लोकतंत्र सिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो आदिवासियों के सिस्टम से तुम्हें लोकतंत्र सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको मालूम है कि इस 70 और 80 साल पहले स्त्री को कितना स्थान था। आज संविधान बनने के कारण स्त्री भी आगे आ रही है, तो जब ये संविधान नहीं था तो स्त्री को कितना कारण था, और उसी सिस्टम में कई बार आदिवासियों के सिस्टम में स्त्री को बहुत बड़ा स्थान था। आप ये समझ लो, ये दरिया समझ लो और संस्कृति की नींव समझ लो। और फिर सवाल आता है कि आदिवासी क्यों नहीं रहना चाहते शहरों के बीच, इन लोगों के भीड़ में क्यों नहीं आना चाहते, क्यों संपर्क नहीं बनाना चाहते इनसे। आदिवासियों की एक बहुत बड़ी धारणा है और वो ये है कि वो प्रकृति का नियम को पालन करते हैं, वो प्रकृति का हर बदलाव को समझते हैं और वो जानते हैं कि हमें हर ऋतु के अनुसार हमें कैसा रहना चाहिए और हर ऋतु में प्रकृति हमको क्या देती है। अगर आपको ये मालूम है कि हर मौसम में कोई फल आता है तो उनको मालूम है कि वो फल उस मौसम के बीमारियों पे आता है। यानी आप अगर प्रकृति के बारीकी से देखो तो हर नज़र को आदिवासी अपने संस्कृति में बैठा है और आदिवासियों के साथ हमेशा गद्दारी हुई है। जो भी आदिवासियों के पास मेहमान बन के गया है, कल उसने उस आदिवासियों कल्चर का विनाश किया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग आदिवासियों के पैर पड़ने गए थे, आदिवासियों से मिलने गए थे और बदले में उन्होंने जंगल को नष्ट करना शुरू किया। और आज आप देख रहे हो कि कोरोना की वजह से पूरा देश लॉकडाउन हो गया है और यह देश में लॉकडाउन जो स्थिति आई है वो कहीं ना कहीं हमने इस कुदरत के नियमों को कहीं तोड़ा है, कुदरत के विरुद्ध में जाने की कोशिश की है और यही हमें पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़ रहा है। और आदिवासी इंसान यही तो चाहता है, ये चाहता है आदिवासी इंसान कि इस कुदरत में कोई अपने विरुद्ध में ना जाए, कुदरत के नियमों की तरह चले, कुदरत के नियमों के साथ चले। और बाकी दुनिया यह नहीं चाहती, बाकी दुनिया ये चाहती कि पैसों के लिए जंगल मिटाया जाए, पैसों के लिए आदिवासियों का अस्तित्व खोया जाए, आदिवासियों को बाहर लाया जाए। और दोस्तों इसीलिए ऐसे बहुत सारी आदिवासी जनजातियाँ हैं जो इस गवर्नमेंट को या इस दुनिया को अपनी पहचान नहीं बताती और वो आज भी उनकी संस्कृति में कहते हैं कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि बहुत सारे आयरलैंड पे ऐसी सारी संस्कृतियाँ हैं जो मर्दानगी दिखाने के लिए कुछ शरीर को टोकना पड़ता है, काटना पड़ता है, बहुत सारे मधुमक्खियाँ लाते हैं जो डिस्कवरी में दिखाते हैं। आपको ये मालूम है इंडिया के संविधान में लिखा है कि आप अंगूठा छाप हो, आप कोई भी हो तो भी आप मंत्री संतरी बन सकते हो। यह दोस्तों बाबा साहब ने इसके लिए बहुत सारे प्रावधान रखे हैं, हम उनको समझते नहीं हैं। और आज हमारे आरोग्य मंत्री जो होते जिनको कुछ पता नहीं, क्रीड़ा मंत्री होता है वो जिसने कभी बैट ही नहीं पकड़ी, अर्थमंत्री होता है जिसने कभी गिना ही नहीं, कृषि मंत्री वो होता है जिसने कभी हल चला ही नहीं, किसानों को देखा ही नहीं। आदिवासियों का सिस्टम क्या कहता है, जो जिसके लिए एबल है ना उसको वो ही पद दिया जाए, जो जिसके लिए जो एबिलिटी रहती है उसमें वो एबिलिटी के काम ही दिया जाए। अगर उसको मुखिया होना है उस समुदाय का, उस गांव का, तो उसको ये दिखाना पड़ेगा कि वो लड़ भी सकता है, उसमें पेशेंस है कि नहीं, ये भी क्लियर किए जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे समुदाय हैं जिसमें इसकी परीक्षा होती है, एग्ज़ाम होता है, और वो एग्ज़ाम उनकी तरफ से होता है, उनकी तरह से होता है, और ये उनकी रीति रिवाज है, उनकी परंपरा है जो वो नहीं छोड़ना चाहते, और उनके ही दायरे में उनके जो भी एरिया है उस एरिया को अपना अपनी दुनिया मानते हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि इस दुनिया के बाहर भी ऐसी दुनिया है जो काट खाने वाली है, जो इनका वजूद मिटाने वाली है, जो प्रकृति से इनको अलग करने वाली। इसीलिए बहुत सारे ऐसे समुदाय आज भी है दुनिया में जो लोगों के सामने नहीं आते। और जब लोगों को पता चल जाएगा इस दुनिया के कि नहीं यार,
या आदिवासी भी होते हैं और आदिवासियों का नियम ही इस प्रकृति को बचा के रखेगा, तब जाके यह दुनिया आदिवासियों को समझ पाएगी। नहीं तो तब तक गूगल पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे यही बताता आएगा कि ये है दुनिया के खुकार आदिवासी, जो अमेजोन के जंगल में रहते हैं, जो अमके डमके फिलाने नदी के किनारे रहते हैं और वहाँ पे आदमी गया तो उसको काटते हैं, मारते हैं, खाते हैं। अब से ये नहीं चलेगा। अगर आप वीडियो बनाएंगे जो आदिवासी के संस्कृति के विरुद्ध में होगा तब आवाज़ उठेगी। मैं सभी युवकों को बताना चाहूँगा कि भाइयों कलम हाथ में, आपको क्या आता है, आपको लिखना आता है तो लिखो, पढ़ना आता है तो पढ़ो, आपको वीडियो बनाना आता है तो वीडियो बनाओ, आपको एक्टिंग आती है तो एक्टिंग करो, गाना आता है तो गाना बनाओ, और इसी अपने कलाओं से अपने समाज को जागरूक करो और बाकियों को बताओ कि हम आदिवासी है, इस देश के रहवासी है, और हमारे बारे में बोलने के लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा बोलना बंद करो। दोस्तों वीडियो बड़ा हो गया है, लेकिन जो भी मैंने बताया है वो दिल से बताया है और आपके भी दिल तक आई है ऐसे बात मुझे लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।